Dear student, today I am starting next point from microeconomics. In your first chapter, your next point name is straight line PPC. Straight line PPC means it is depends on activation of MOC or equal levels. It is depends on activation of MOC or equal levels. Equal levels means according to MOC, calculate equal times. Suppose that in this type of schedule, indicate to the 4-4-4-4. In other words, we say that MOC is equal to loss upon gain or delta Y upon delta X, then 16 to 12 difference between 4 and 0 to 1 difference between 1 is equal to 4, then 12 2-8 difference between 4, 1-2-8 gain between 1. So 4 upon 1 is equal to 4. Next point, 8-4 difference or loss is equal to 4, 2-3 gain is equal to 1 unit. Then value is 4 upon 1 is equal to 4. Next 4-0 loss is equal to 4 units, 3-4 gain is equal to 1 unit. Then 4 upon 1 is equal to 4, and here mention diagram of PPC A B C D E indicate to the possibilities, and it is indicate to the straight line. So the straight line PPC depends on the activation of MOC or equal levels. आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्ट्रेट लाइन पीपीसी के आकार के बारे में अध्ययन करेंगे. स्ट्रेट लाइन पीपीसी डिपेंड करता है एमओसी का जो एक्टिवेशन है, जो एक्टिव है एमओसी जो एक्टिव हो रहा है वो इक्वल लेवल पर हो रहा है, और इसे हम अच्छी तरह से एक शेड्यूल और एक डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं. मान लेते हैं कि चार पॉसिबिलिटीज हैं ए बी सी डी, और इनकी जो एक्स कमोडिटी पर जो उनकी वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3, 4, और वाई कमोडिटी पर 16, 12, 8, 4, 0 है, और हम जानते हैं कि एमओसी इक्वल टू लॉस अपॉन गेन होता है. तो जब 16 to 12 की ओर जब सैक्रिफाइस होता है या लॉस होता है तो 4 यूनिट्स का होता है, 0 to 1 में गेन होता है 1 यूनिट्स के होता है, तो उसकी वैल्यू 4 आती है. और फिर जब हम ए से बी पे आते हैं, बी से सी पे आते हैं, तो हम देखते हैं कि 12 to 8 है, यानी कि जो लॉस है 4 यूनिट्स और गेन है 1 to 2 यानी 1 यूनिट, तो 4 upon 1 = 4. फिर नेक्स्ट पे आते हैं तो हम देखते हैं सी से डी पर आते हैं तो हम देखते हैं कि 8 to 4 यानी लॉस 4 यूनिट्स है और गेन कितना है 2 to 3 यानी 1 यूनिट से, तो 4 upon 1 = 4. जब डी से ई पर आते हैं तो हम देखते हैं कि लॉस क्या है 4 to 0 है, यानी कि 4 यूनिट्स का लॉस है, और गेन क्या 3 to 4 यानी कि 1 यूनिट्स का गेन है, तो 4 upon 1 = 4. यही इस शेड्यूल में दिखाया गया 4 4 4, यानी कि ये जो है एमओसी सभी लेवल पर, चाहे ए से बी से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, सभी लेवल पर ये इक्वल है. और इसे हम जब डायग्राम में देखते हैं तो एक सीधी रेखा में दिखाई देता है, जो कि हम देख रहे हैं कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई जो डायग्राम है ये एकदम सीधी रेखा पे है. और यही पीपीसी का सेफ स्टेट लाइन है. ये पीपीसी का सेफ स्टेट लाइन इसलिए होता है क्योंकि एमओसी जो है सभी लेवल पर, यानी कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, इन सभी लेवल पर ये एमओसी का वैल्यू 4 है. और यही कारण है कि पीपीसी का जो सेफ है एकदम सीधी रेखा है, स्टेट लाइन है. सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कल इसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे. थैंक यू.